अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद नून में आप सभी का खैर मकदम है। जहां बेलगाम शहर में ईद मिलाद जुलूस को लेकर जो फैसला मुसलमानों की जानिब से लिया गया उसे काफी सराहा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यहां से करीब हुबली में किस तरह से एक नफरती माहौल बनाने की कोशिश रामसेना के मुखिया प्रमोद मुतालिक की जानिब से की जा रही है, इसे भी समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके पीछे एक षड्यंत्र, एक साजिश है। शहर में गणेश मंडलों की जानिब से पंडाल लगाने का काम भी जारी है। बेलगाम शहर की अगर बात की जाए तो पुलिस थानों में हिंदू मुसलमानों के तमाम जिम्मेदारान को बुलाकर मीटिंग तलब फरमाई जा रही है। लिहाजा मुसलमानों की जानिब से ईद मिलाद का जुलूस मुलतवी करने पर तमाम गणेश मंडलों की जानिब से मुसलमानों को मुबारकबाद देते हुए समझदारी के इकदाम पर शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। गणेश महामंडलों की जानिब से एक बार फिर मीटिंग तलब फरमाई गई थी, जिसमें एमएलए आसिफ सेठ, विपक्ष नेता मुजम्मिल डोनी, महामंडल के रुकन अराकीन, शहर देवस्थान कमेटी और दिगर हिंदू तंजीमों ने मिलाद के जुलूस को दो दिन मुलतवी कर समझदारी का फैसला लिया, ऐसा कहा, जिसके लिए तमाम हिंदू समाज की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसा रंजीत चौहान पाटिल ने कहा। हमने सोचा था कि मुस्लिम जमात की जानिब से दोपहर 3 बजे तक जुलूस निकालने का फैसला लिया जाएगा, लिहाजा गणेश विसर्जन और मिलाद का जुलूस एक ही दिन होने से परेशानियों का सबब भी बन सकता था, लेकिन मुसलमानों ने तारीखी फैसला लिया, जिसका बेलगाम के तमाम हिंदू तंजीमों की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ, ऐसा कहा गया। इसी खबर का एक पहलू, जैसा हमने शुरुआत में कहा, हुबली में देखने को मिल रहा है। हमेशा नफरत की जुबान बोलने वाला मुतालिक एक बार फिर जहर उगलते हुए कहा कि ना सिर्फ ईदगाह मैदान में गणेश की मूर्ति बिठाई जाएगी, बल्कि दो नमाजें ईद उल अजहा और ईद उल फितर की भी रोकने की कोशिश करेंगे। ये भारत है, कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हमें हिमायत हासिल है और अंजुमन इस्लाम का कुछ भी चलने नहीं देंगे। अब सवाल उठता है कि जानबूझकर माहौल को तशद्दुद में तब्दील करने की कोशिश कह सकते हैं। अगर आप मुतालिक के पुराने बयान उठाकर देखेंगे तो भाजपा और मोदी के खिलाफ बयान पाए जाते हैं। अगर कोई मोदी के नाम पर वोट भी मांगने आता है तो उसे जूते से मारकर भगाओ कहने वाले को अब नरेंद्र मोदी बहुत ही काबिल लीडर क्यों लगने लगा। जब से राम सेना का कयाम अमल में आया है, रियासत कर्नाटक में किसी न किसी तरीके से तशद्दुद में इस तंजीम की शिरकत देखी जाती है, लिहाजा अब ये शक होना लाजिम हो जाता है कि जो शख्स भाजपा के खिलाफ था, अब फिर से भाजपा के इशारे पर कर्नाटक में माहौल को तशद्दुद में तब्दील करने की जिम्मेदारी तो कहीं से नहीं दी गई। इससे पहले आपने भाजपा के विरोध में भी रामसेना के उम्मीदवार को खड़ा करने का फैसला लिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से जाहिर भी किया था। अब सियासत एक तरह से कारोबार तो बन ही रहा है और साथ में नफरत तशद्दुद की आड़ में किसी तरह अपनी पहचान बनाने की पुरानी तस्वीर भी मुतालिक की रही है। भारत के मुसलमानों को हमेशा पाकिस्तान अफगानिस्तान से जोड़कर एक तरह तफरका पैदा करने की कोशिश हमेशा से रही है। हुबली अंजुमन इस्लाम की जानिब से बारह गुजारिश की जाती रही है और हुबली ईदगाह की अपनी एक पुरानी कदीम तारीख रही है, तकरीबन 200 साल से भी ज्यादा ईदगाह मैदान की तारीख है। फिलहाल ईदगाह मैदान कारपोरेशन की मिल्कियत है, इसे ईदगाह मैदान ही कहा जाता है। मुसलमान हमेशा यहाँ साल में 2 बार नमाज अदा करता रहता है, लेकिन जब से हिंदुत्व तंजीमें यहाँ सरगर्म हुई है, शहर का अमन खतरे में आ गया। गुजारिश है कि पहले भाजपा की सरकार थी जिसके जेर निगरानी रामसेना, बजरंग दल, VHP जैसे तंजीमों को खुली छूट दी गई थी। हो सकता है कि मुसलमान यहाँ भी ईद मिलाद का जुलूस को आगे पीछे कर दे, पर जानबूझकर सांप्रदायिकता फैलाने वालों का बंदोबस्त कौन करेगा, फिर कोई भी हो। अभी तक हुबली के मुस्लिम नौजवान UAPA के तहत जेलों में बंद है। सवाल तो कांग्रेस से भी पूछना जरूरी हो जाता है, अब तक क्यों उन बेगुनाहों को रिहा नहीं किया गया। आखिर इतना बड़ा कौन सा जुर्म था जिस पर UAPA लगाना पड़ा, कौन अफसरान थे और किसके कहने पर, किसके इशारे पर इतनी सख्त दफाएं लगाई गई वगैरह। लिहाजा बेवजह माहौल को तनाव में बदलने पर मुतालिक पर सख्त कार्रवाई की मांग हुबली की आवाम कर रही है। अंजुमन ने अदालत का दरवाजा खटखटा है। अंजुमन का कहना है कि ईद की 2 नमाजें अदा की जाती है और इसके सिवा यहाँ कुछ भी नहीं किया जाता। कारपोरेशन की जानिब से पिछली हुकूमत के दौरान गणपति बिठाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इसके पीछे सरकार का भी दबाव हो सकता है, ऐसा बताया गया। फैसला कानूनी हो और इंसाफ के साथ हो, ऐसा यहाँ के आवाम की मांग हमेशा रही है। अंजुमन इस्लाम का कहना है कि यहाँ पर यानी कि ईदगाह मैदान में मुहर्रम तक नहीं मनाया जाता, पर गणेश की मूर्ति जानबूझकर शरारती तत्व बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हुबली के कई दलित तंजीमों ने भी ईदगाह मैदान में गणेश पंडाल बनाने पर एतराज किया है। जिस तरह आज मुतालिक की बयानबाजी हुई, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किसी खास मकसद के तहत ही बयानबाजी की जा रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि कोई नफरती बयान दे रहा है, बिना किसी फरियाद के उस शख्स की गिरफ्तारी अमल में आनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों को भी नजरअंदाज कर कुछ संगठन अदालती फैसलों को ही हल्का बनाने में लगे हुए। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज चैनलों को भी नफरती डिबेट और नैरेटिव सेट करना या फिर मीडिया ट्रायल चलाने वालों पर रोक लगाने की मांग की थी, पर यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का असर नजर नहीं आ रहा। लिहाजा अब इंडिया गठबंधन ने ही गोदी मीडिया के चाटुकार पत्रकारों पर बहिष्कार कर इन्हें एक तरह से सबक ही सिखाया कह सकते। जाहिर है इनके चैनल पर ही कोई नहीं जाएगा तो क्या खाक हिंदू मुस्लिम करेंगे। लिहाजा इस तरह की यानी कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया, इस तरह की कार्रवाई जरूरी है और आवाम ही इस पर फैसला करने की कोशिश करे जैसे इंडिया गठबंधन ने किया है। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत और रामसेना और दिगर हिंदुत्व तंजीमों के मुखिया या जो भी नफरती बयान देते हैं, किसी एक समाज को पाकिस्तानी अफगानिस्तानी वगैरह कहते हैं, इन पर सख्त कार्रवाई करें, इन पर पाबंदी लगाने की मांग करें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भाजपा या इस तरह के हिंदुत्व तंजीमें ही ज्यादा पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का नाम लेते हैं, तो इनका क्या कनेक्शन है वो भी चेक किया जाए। हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाकर अंजुमन इस्लाम हुबली को आगे बढ़ना होगा। यकीनन हुबली की आवाम तशद्दुद नहीं चाहती, पर कुछ फिरका परस्त होते हैं जिनका काम ही यही है, क्योंकि सियासी इख्तदार का रास्ता इसी तशद्दुद से होकर गुजरता है। और खासकर भाजपा अब जब कर्नाटक हुकूमत से बेदखल हुई है, आवाम ने इन्हें बेदखल कर दिया है, लिहाजा मुतालिक के पीछे सियासी मंशा है, इसे समझने की जरूरत। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इल्ला मत्ते मने बागल के बरता रे मोदी वोट आके मोदी वोट आके मोदी वोट चप्पी लहड़े रे चप्पी लहड़े रे मोदी हेजू ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಗ್ಗವರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಗುಂಡಿದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಜೈಲಿದಾವೆ ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾಲಿಬಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ಬೋದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಡಗಲಿಯುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೇತೃತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದು ಗಂಡ ಹುಲಿ ಇದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು. ಇಂಥ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗವರಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ನವರು ಈ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದರೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ದಿನದ ನಮಾಜ್ಗೂ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನಮಾಜನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಕಳೆದ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ, ಹಿಂದಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಒಂದು ರೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಇದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂಥ ಮೂರು ದಿನದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೇನು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಒಂದು ಕೋಮು ಮನೋಭಾವನೆ ಒಳಗೆ ಅವರ ಒಳಗೆ ಬಿತ್ತದಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತೂ ಸಹಿತ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಏನು ಹಿಂದೆ ಹಲಾಲು ಹಿಜಾಬು ಜಟ್ಕಾ ಹೀಗೆ 108 ವಿಘ್ನಗಳ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಏನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು ಅಂಥವರು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇದ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆನೂ ಅರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಏನೋ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಚಾಲು ಆದರೆ ಬಹುಶಃ 18-19 ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಧರ್ಮದವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಐತೆ ಹೊರತು ಅದೇ ಯಾರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಾಜದವರು ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು ಅವರು ಮೊಹರಂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಹರಂ ದೇವ್ರು ನಾವು ಕುಂದಿರಿಸ್ತೇವೆ ರೀ, ನಾವು ನಮಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮಟ್ಟ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ.
ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಏನರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಂತೈತೋ ಏನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೋ ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘರ್ಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. अब कुछ अहम खबरें. अभी कुछ दिन पहले वड़गांव के शेख फैमिली के 5 अफराधों के हादसे में जान जाने की खबर हासिल हुई थी. चित्रदुर्ग के करीब कार ट्रक की ठोकर में 5 अफराधों की जान चली गई थी. पहले 4 था, फिर बाद में एक और अफराध की जान जाने की इत्तला हासिल हुई है. लिहाजा एक और हादसा बेलगाम ही के लोगों का आंध्र प्रदेश में पेश आया है, जिसमें 5 लोगों की जान जाने की इत्तला हासिल हुई. कुल बेलगाम जिले के 16 अफराध तिरुपति मंदिर के दर्शन के लिए गए थे. क्रूजर में कुल 16 अफराध सवार थे. बच्चे खवातीन भी सवार थे. सुबह 3:30 बजे मथमपल्ली गांव के करीब हादसा पेश आया, जिसमें 5 अपराधों की जगह पर ही मौत हुई. 11 लोग शदीद जख्मी पाए गए, जिसमें कईयों की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है. मरने वाले 5 अपराधों में मां बेटी की भी मौत हुई है. मरने वालों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया. आज बेलगाम शहर में आंगनवाड़ी टीचर्स की जानिब से एहतजाज कर कई मुतालबात डीसी बेलगाम के सामने रखते हुए कर्नाटक हुकूमत के सामने 10 से 15 हजार रुपए तनख्वाह, रिटायरमेंट के बाद 1.5 लाख रुपया देने की मांग की. यूकेजी एलकेजी की बजाय आंगनवाड़ी में बच्चों को भेजने का भी उन्होंने मुतालबा पेश किया. राज्यामध्ये काँग्रेस सरकार आल्यानंतर 5 गॅरंटी त्यांनी जाहीर केल्या होत्या, आणि 6वी गॅरंटी म्हणून खानापूरला सिद्धरामय्या साहेब आणि प्रियंका गांधी यांची सभा झाल्यानंतर अंगणवाडीच्या कर्मचाऱ्यांना 15 हजार आणि 10 हजार रुपयाचं वेतनवाढ आम्ही 6वी गॅरंटी म्हणून देऊ असं जाहीर केलं होतं. त्याचप्रमाणे या अंगणवाडी कर्मचाऱ्या निवृत्त झाल्यानंतर यांची परिस्थिती अत्यंत हानाकीची असते. त्यांना आरोग्यासाठी, यांच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणासाठी अत्यंत तुटपुंज्या वेतनावर काम करत असल्यामुळं निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना मिनिमम 3 लाख रुपये द्यावेत आणि 3 हजार रुपयेपर्यंत पेन्शन द्यावी, ही एक प्रमुख मागणी या ठिकाणी आहे. बेलगाम शहर को 24 घंटे पानी का वादा एलएनटी कंपनी की जानिब से किया गया था, लेकिन अपने वादों को मुकम्मल न करने की बुनियाद पर कारपोरेशन कमिश्नर अशोक दुड़गुंटी ने 21 करोड़ रुपए का जुर्माना एलएनटी को लगाया. 24 घंटे पानी की सहूलत देने के चलते कई जगहों पर पाइप बिछाए गए, लेकिन ताखिर और सड़कों को खोद कर ट्रैफिक के लिए परेशानी का सबब बनने पर इन्हें जुर्माना लगाया गया. अलहिबा डिजाइनर कलेक्शन की जानिब से 5 सितंबर से 20 सितंबर तक लिमिटेड 25% ऑफर रखा गया है, जिसके चलते अलहिबा में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है. अलहिबा डिजाइन कलेक्शन दरबार गली जामिया मस्जिद के सामने है. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.